जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। आज ओप्पो F21 Pro लॉन्च हो गया है। आप इसको ओप्पो रेनो 7 4G भी कह सकते हो। यहाँ पर आपको 6.43 इंच का एक फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा, 409 के PPI के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाएगा, 430 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस, 600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड और 800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस। और आपको यहाँ पर छोटा सा पंचोल मिल जाएगा, चिन बड़ा रहेगा। देखो यार, डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है उस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स नहीं दे पाता है। यहाँ पर एटलीस्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। और यार, ओप्पो अपने स्मार्टफोन के आगे के डिजाइन को चेंज करो यार, चिन थोड़ा सा कम करो, छोटा सा और पंचोल बनाओ, आगे से देखने में वही बजट कैटेगरी के फोन के लगता है। थोड़ा लुक्स चेंज करो, थोड़ा बेजललेस देने का कोशिश करो हम लोगों को। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। तारीफ की बात कर ले तो 8 बिट के कलर्स हैं, एमोलेड पैनल है, तो जब भी आप कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, गेमिंग करोगे, तो एक्सपीरियंस काफी आपका कलरफुल रहेगा, काफी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और आउटडोर भी लेके जाओगे तो सारे कंटेंट अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि काफी अच्छे ब्राइटनेस लेवल्स भी हैं। और अच्छा लगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे दिया, नहीं तो 3 चिप देते अपने को। 90Hz रिफ्रेश रेट है तो स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा, टेंशन मत लो। वैसे भी ज्यादातर लोग तो 90Hz रिफ्रेश रेट ही यूज करते हैं 120Hz होने पर भी। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ओप्पो एफ सीरीज के स्मार्टफोन का यही स्पेशलिटी होता है कि कैमरास एकदम एक नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, बस और कुछ भी नहीं। यार ऐसे कैमरास दोगे 64:8:2 करते तो भी अच्छा लगता, दोनों 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा चेप दिए कुछ भी। लेकिन यार सेल्फी में एक नंबर काम किए हैं, यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दे दिए हैं सोनी MX709 सेंसर के साथ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है ना, उससे लाख गुना अच्छा ये 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। ये वही सेल्फी कैमरा है जो आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो में देखने को मिल जाता है। और ये जो सेंसर है ना, ये कैट आई लेंस है, तो रात की फोटोग्राफी तो कमाल का कर देगा आपका। और भाई आप कमाल के वीडियोस भी ले लोगे, कमाल के सेल्फीज भी ले लोगे। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। ये बढ़िया था गुरु। चलो बहुत अच्छा काम किए। UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR4X टाइप मिल जाएगा, 4500mAh का बैटरी मिलेगा, 33 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, चार्जर बॉक्स में मिलेगा, टेंशन मत लो। एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, यार दिल खुश कर दिया यार ओप्पो तुम तो। और आपको ColorOS 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, NFC भी मिल जाएगा। मेन स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 680 मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 610 का GPU मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन 27,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार ओप्पो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 26-27,000 रुपए का फोन है। 26-27,000 रुपए में Snapdragon 778G, Dimensity 920, Dimensity 1200, Snapdragon 870 जैसे कमाल के प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर्स मिल जाते हैं, मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर्स मिल जाते हैं, और आप हम लोगों को Snapdragon 680 दे रहे हो। अरे यार, कम से कम Snapdragon 695 के साथ लॉन्च करते तो 5G होता तो संतुष्ट भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन 680 भाई। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन 7.5mm के थिकनेस के साथ आएगा, 175 ग्राम इसका वेट होगा, मतलब कि काफी पतला और काफी हल्का डिजाइन होगा, स्लीक लाइट डिजाइन देने का कोशिश किया है ओप्पो। जब अंदर कुछ माल मसाला है नहीं तो हल्का और पतला ही होगा ना। डिजाइन वाइज देखोगे तो एकदम फ्रेश डिजाइन है, कैमरा हाउसिंग एकदम नया है, देखने में काफी अच्छा लगता है, यूनिक लुक्स दे देता है, मजा आ जाता है देख के, ऑरेंज का याद आ जाता है। आगे से देखोगे तो पंचोल है, चिन है, चिन कम करो यार ओप्पो, चिन कम कर दो। बिल्ड वाइज देखोगे तो वेगल लेदर का आपको फिनिश देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, स्मार्टफोन प्रीमियम आपको महसूस होगा। और प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, IPX4 का रेटिंग भी मिल जाएगा। डिजाइन वाइज पीछे से देखने में अच्छा लगता है, बिल्ड वाइज कुछ मजा नहीं आया। अब चलो यार बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडोनेशिया में लॉन्च हो गया है, केवल एक ही रैम वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB प्लस 256GB, जिसका प्राइस है 27,500 रुपए, 27,500 रुपीज। तो आपको प्राइस कैसा लगा, अपने रिएक्शंस कमेंट करके बताओ। अब चलो यार बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, ओप्पो F21 प्रो सीरीज के स्मार्टफोन्स 12 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। ओप्पो F21 प्रो, ओप्पो F21 प्रो प्लस।
सोर्सेस की मानो मुझे जहां तक पता चला है ओप्पो A96 5G इंडिया में ओप्पो F21 Pro Plus बन के लॉन्च होगा। उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया था, 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। ओप्पो F21 Pro का प्राइस इंडिया में 22,000 रुपए के आसपास होगा, ओप्पो F21 Pro Plus का प्राइस इंडिया में 26,000 रुपए के आसपास होगा। फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन पता चले हैं, और रहा सवाल वेट करे कि नहीं करे, 12 दिन की बात है, वेट करके देखते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप वेट करो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने पास, जैसे कि Redmi Note 11 Pro Plus है, Realme 9 Pro Plus है, और कौन सा फोन है यार, Oppo Reno 7 सीरीज के फोन्स हैं, iQOO 9 SE है, और 20,000 रुपए में अपने को मिल जाता है, 20,000 रुपए में कौन सा फोन मिलता है अपने को, पोको X4 Pro 5G है, बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव है, इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन थोड़े दिन वेट करके देख लेते हैं, ठीक है। With the